ये जो आज राजनीतिक ड्रामा देहरा विधानसभा के अंदर भाजपा प्रत्याशी प्रशांत सिंह जी के द्वारा देखने को आया है, एक तो वो शरेआम धमकियां दे रहे हैं और दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि मेरे आगे पीछे पुलिस है, मुझे खतरा है। तो उनके साथ तो पहले से ही सीआरपीएफ के 9-10 जवान उनके आगे पीछे रहते हैं। और दूसरी बात ये जो गाड़ियां कह रहे कि मेरे पिछले 10 दिन से हमारे पीछे घूम रही हैं, तो आज ही उनको क्यों दिखाई दी? आज जबकि कल जो है चुनाव होने हैं और आज जो है उनकी हार की बुखलाहट जो है वो सामने नजर आ रही है और वो धमकियां दे रही हैं। उनको अपना जो है उनकी वीक मोटरसाइकिल के ऊपर शराब पकड़ी गई है, उनके पैसे पकड़े गए हैं, उसको उसके ऊपर उन्होंने कोई बयान नहीं किया। दूसरी बात यह है कि सब कुछ ये चुनाव आयोग के अंदर है, अगर 10 दिन से इनके पीछे ऐसा चल रहा है तो चुनाव आयोग की उन्होंने शिकायत क्यों नहीं की? और आज जब उनको देखने को सर तरह से उनकी तरफ का माहौल नहीं नजर आ रहा है, उनको पता है कि यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी जो है भाई भारी बहुमतों से जीत रहे हैं, तो आज वो इस तरह का हथकंडा बना रहे हैं, ऐसा राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं और ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर उन्होंने वोट मांगनी है तो वो डोर टू डोर जाकर के लोगों के बीच में मांगे, ना कि ऐसा राजनीतिक ड्रामा करें।